हेलो दोस्तों, देखो सीखो विद वीके सिंह में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फाइनली आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट 6 यानी कि 6 हिंदी का आ चुका है। तो जो लोग अभी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन लेने से पहले मैं बता दूं, जिन लोगों का आंसर आएगा वो आंसर टाइप करते रहेंगे और जिन लोगों का आंसर नहीं आएगा वो आंसर का वेट करेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन, जो अच्छा बोलता हो, मतलब जो अच्छा बोलता है उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो चलिए बता दें, सुवक्ता बोलेंगे उसको, इसका आंसर होगा सी। पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, सुवक्ता बोलेंगे, ठीक है, सुभाषी नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जलज का क्या तात्पर्य है? जलज का अर्थ क्या है या तात्पर्य क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो चलिए बता दें, दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी। जल में जन्म लेने वालों को बोलते हैं जलज। और बताइए कि जलज किसका पर्यायवाची शब्द है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन, सर्वज्ञ किसको बोलते हैं? ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, बताना है आपको सर्वज्ञ किसको बोलते हैं। तो चलिए बता दें, बहुत ही आसान है, इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसे सब विषय में जानकारी हो। ऑप्शन के हिसाब से यही सही होगा, जिसे सब विषय में जानकारी हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन, जो दूसरों के सहारे जीता हो उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, बहुत ही आसान है। तो चलिए बता दें, इसका आंसर हो जाएगा सी, परजीवी बोलते हैं जो दूसरों के सहारे जीता हो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पांचवा नंबर क्वेश्चन, किए हुए को न मानने वाले को क्या कहेंगे? या उपकार को जो न मानता है उसको भी वही बोलते हैं। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कृतज्ञ बोलते हैं किए हुए को न मानने वाले को, या उपकार को जो नहीं मानता है उसको बोलते हैं कृतज्ञ, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, छठवां नंबर क्वेश्चन, पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त है, पार्थिव शब्द के लिए इनमें से, इन ऑप्शन में से क्या उपयुक्त है आपको बताना है। तो चलिए बता दें, इसका आंसर हो जाएगा 2 यानी कि बी, जिसका संबंध पृथ्वी से है उसको बोलेंगे पार्थिव, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सातवां नंबर क्वेश्चन, जिसने मृत्यु को जीत लिया है उसको क्या बोलेंगे? जिसने मृत्यु को जीत लिया है उसको क्या बोलेंगे इन ऑप्शंस में से? तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, मृत्युंजय बोलेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आठवां नंबर क्वेश्चन, वह जिसके समान दूसरा कोई नहीं है, बहुत ही आसान है, वह जिसके समान दूसरा कोई नहीं है उसको क्या बोलेंगे? तो चलिए बता दें, इसका आंसर हो जाएगा बी, अद्वितीय बोलेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है, तो 10 नंबर क्वेश्चन के बाद थोड़े टफ क्वेश्चन आपके लिए मिलेंगे, ठीक है? तो 9 नंबर क्वेश्चन हमारा, जो सब कुछ जानता है वह, मतलब जो सब कुछ जानता है उसको क्या बोलेंगे? तो इसका भी बी हो जाएगा, सर्वज्ञ बोलेंगे, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में इसको देखा था। 10 नंबर क्वेश्चन है, जिसकी सहनशीलता अच्छी है उसे क्या बोलेंगे, ठीक है? बहुत ये टीवी में बहुत डिबेट हो चुका है इसके बारे में। तो चलिए बता दें, इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि सहिष्णु बोलेंगे, ठीक है, और जिसकी सहनशीलता अच्छी नहीं रहती है उसको क्या बोलेंगे? असहिष्णु। असहिष्णु के बारे में आपने टीवी में बहुत बार सुना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की कमायनी किस प्रकार का काव्य है, मतलब जो कमायनी काव्य है वो किस प्रकार का काव्य है, इन ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो चलिए बता दें, इसका आंसर हो जाएगा सी, महाकाव्य है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद के बारे में कुछ और क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, जैसे कि जयशंकर प्रसाद की जो और भी जो उन्होंने नाटक की रचना की है, जैसे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु एवं ध्रुव स्वामिनी आदि नाटकों की रचना इन्होंने किया है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो छायावादी कवि हैं, ठीक है, जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर को क्या कहते हैं या क्या कहलाते हैं, ठीक है? तो चलिए बता दें, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्वर बोलते हैं उनको, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर को बोलते हैं स्वर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन प
पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ऑप्शन जो दिए हुए हैं इनमें से तीन जो है पश्चिमी बोली की हिंदी है और एक जो है पश्चिमी बोली की हिंदी नहीं है, वो आपको बताना है। तो चलिए बता दें, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बघेली। बघेली जो है वो पूर्वी हिंदी की बोली है। पश्चिमी हिंदी की है बुंदेली, ब्रज और कन्नौजी। ये तीन जो ऑप्शन है ये पश्चिमी हिंदी के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, वो आपको तिथि बताना है सन के साथ। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा सी, यानी कि 14 सितंबर 1949 ईस्वी को बैठक हुई थी जिसमें निर्णय लिया गया कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, ठीक है, और लिपि जो है देवनागरी होगी। और अगर आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद पूछ लेता है तो 343 के पहले में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? देखिए अनुच्छेद पूछ लिया है तो आपको बताना है, ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। तो चलिए बता दें, सबसे पहला नंबर ऑप्शन होगा इसका 343 से 351 अनुच्छेद, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा सौर सेनी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। सौर सेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी के बोलियों का विकास हुआ है। पश्चिमी हिंदी में जो है ब्रज है, खड़ी बोली है, कन्नौजी है, बुंदेली है, दक्षिणी हिंदी आती है, ठीक है, और मगधी से बिहारी हिंदी, और अर्ध मगधी से पूर्वी हिंदी, और भ्राचड़ से अगर पूछ देता है तो भ्राचड़ से पंजाबी और सिंधी बोली का विकास हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली जो है वो किसके अंतर्गत आती है, ठीक है, वो आपको बताना है। तो बहुत ही आसान है, छत्तीसगढ़ी जो है अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले पूर्वी हिंदी में आता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो चलिए बता दें, इसका आंसर हो जाएगा डी, वर्ण, ठीक है, वर्णों से मिलकर बनता है वर्णमाला। वर्णमाला में ही स्वर और व्यंजन होते हैं, ठीक है, और वर्णों से मिलकर ही शब्द बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन। संधि कितने प्रकार की होती है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो चलिए बता दें, बहुत ही आसान है, इसका आंसर हो जाएगा सी, तीन प्रकार की होती है संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन। आपको इसमें बताना है दीर्घ संधि का कौन सा ऑप्शन है, दीर्घ संधि का एग्जाम्पल कौन सा है इन ऑप्शंस में से। तो बहुत ही आसान है, महर्षि, देवेंद्र और सूर्योदय, ये तीनों जो है ये गुण संधि के एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे हमारा बच गया दैत्यारी। दैत्यारी जो है दीर्घ संधि का ऑप्शन है या एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद आपको बताना है, प्रत्युपकार का, ठीक है, तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा सी, प्रतिधन उपकार। बहुत ही आसान था ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन। नमस्ते का सही संधि विच्छेद आपको बताना है, तो चलिए बता दें, इसका भी ऑप्शन नंबर 3 या C होगा, नमः धन ते, नमः धन ते से हो जाएगा नमस्ते। ये विसर्ग संधि है, इसमें त या स्वर आता है तो ये विसर्ग का स हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन। पवित्र का सही संधि विच्छेद आपको बताना है, पवित्र का, तो चलिए बता दें, इसका ऑप्शन होगा 3 या C, पौधन इत्र बराबर पवित्र, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ये अयाधी संधि है, औ धन ई बराबर अवि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन। उपसर्ग का प्रयोग होता है, ठीक है, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है आपको बताना है। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, बहुत ही आसान है, तो
तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए या एक। शब्द के आरंभ में जो होता है वो उपसर्ग होता है और बाद में जो होता है वो प्रत्यय होता है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन यही है। प्रत्यय का प्रयोग होता है, ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, तो मैंने अभी आपको बताया शब्द के अंत में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रैक्टिस सेट ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अधिक से अधिक आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे आने वाले वीडियोस और प्रैक्टिस सेट को देखने के लिए नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब, और बगल में एक बेल आइकन होगा, घंटी होगी, आप दोनों को ऑन कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको पता चलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।